हेलो बच्चों। हम आ गए हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हमने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर किया है बेटे। लेक्चर 3 के अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं सर? तो इस लेक्चर के अंदर बेटा हम कवर करेंगे सॉल्ट ब्रिज एंड मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ सेल। सॉल्ट ब्रिज के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया, मोटा मोटा आइडिया सा ले लिया था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उतना छोटा नहीं है बेटे। यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। एंड इसके साथ ही बेटा हम एक और टॉपिक लेंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि जो आपने इलेक्ट्रोड ली थी उसके पोटेंशियल को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे किसी भी सेल के अंदर। तो सर जल्दी से शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो सबसे पहले बेटा सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है सर? सॉल्ट ब्रिज एज इन्वर्टेड यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हमने कल ही पढ़ा था कि हमारे पास क्या है बेटा, ये एक बहुत लंबी यूट्यूब है, बहुत लंबी ट्यूब है। अगर मैं इसको यहां से दो इक्वल पार्ट्स में घुमा देता हूं तो ये इस तरीके से बन जाएगी, एंड इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्टेड यूट्यूब बोलते हैं। तो सोल्ट ब्रिज क्या होती है, एक टाइप की इन्वर्टेड यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। द ट्यूब इज फिल्ड विद कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले तो क्या आ रहा है सर, ट्यूब आ रही है, ट्यूब तो आप समझ गए हो, फिल्ड मतलब उसको फिल कर दिया गया, ये भी समझ में आ गया सर। कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या है? तो यहाँ पे दो टर्म्स है बेटा, एक तो कंसेंट्रेटेड होती है और दूसरी टर्म क्या होती है बेटा, डाइल्यूटेड। तो ये दोनों टर्म्स आपने बिल्कुल अच्छे से कर रखी होंगी। कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, 99% आपके पास सोल्यूट प्रेजेंट है, बहुत कम अमाउंट के अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। एंड डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है बेटा, डाइल्यूटेड का मतलब आपके पास जिस चीज का भी सोल्यूशन है उस चीज के अंदर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, एंड 1% आपके पास सॉल्यूट क्या है बेटे, प्रेजेंट है। दैट मींस वो क्या है, डाइल्यूटेड है। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, कंसेंट्रेटेड। तो यहाँ पे आपको कैसा लेना है, कंसेंट्रेटेड लेना है। तो दिस ट्यूब इज फिल्ड विद कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो कंसेंट्रेटेड समझ आया सर, सॉल्यूशन समझ आया, इनर्ट का मतलब समझा दीजिए। तो इनर्ट का मतलब बेटा हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया था, इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या होता है सर, नॉन रिएक्टिव, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट, फिर से सर एक और वर्ड आ गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, लाइट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप दोगे इलेक्ट्रिसिटी वो टूट जाएगा सब्सटेंसेस के अंदर, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंसेस विच ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इन द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी That are known as electrolytes. तो electrolytes लेने हैं, वो भी non reactive लेने हैं, उनका भी concentrated solution लेना है, उसको fill कर देना है किसके अंदर, tube के अंदर। कौन सी tube? U-tube। तब हमारे पास क्या बनेगा, प्यारा सा salt bridge। अच्छा सर ये कहानी समझ में आई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ZnSO4 है, CuSO4 है, इसका हम डेनियल सेल का बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके थे। तो ये आपको दिख रही होगी, दिस इन्वर्टेड यूट्यूब फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, KCl। दिस इज नोन एज सोल्ट ब्रिज। ये क्या है बेटा, एक टाइप का सोल्ट ब्रिज है। द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट अंडरगो द रिएक्शन। तो बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, रीजन क्या है इसके पीछे? तो रीजन मैंने आपको अभी अभी बताया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इनर्ट है। इनर्ट का मतलब ही क्या होता है कि ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है। नॉर डज इट रिएक्ट विद कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन इन द टू हाफ सेल्स। ना ही तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और ना ही उन सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन करेगा जो दोनों हाफ सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से सॉल्यूशन जो है वो दो हाफ सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से सॉल्यूशन प्रेजेंट थे। एक तो कौन सा प्रेजेंट था बेटे, ZnSO4 का, और एक कौन सा प्रेजेंट था, CuSO4 का। CuSO4 के सॉल्यूशन का कलर जल्दी से कौन सा कलर था, ब्लू कलर था सर। ZnSO4 का कलर, ZnSO4 का कलर कैसा था, बिल्कुल याद आ रहा है सर, धुंधला धुंधला याद आ रहा है, कैसा था, कलरलेस। तो इनके साथ भी किसी भी टाइप की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, किसकी, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो किसके अंदर फिल है सर, सॉल्ट ब्रिज के अंदर। तो ये हमें समझ में आ गया है सर।
मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्ट्स लाइक केसीएल, केएनए3, एनएच4एनओ3, बहुत ज्यादातर जो आपके सॉल्यूशन है वो क्या तो केसीएल होगा, केएनओ3 होगा, एनएच4एनओ3 होगा, इनको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। सोल्ट ब्रिजेस इज कंसेंट्रेटेड बाय फिलिंग द यूट्यूब। सोल्ट ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, यूट्यूब को फिल करते हैं, किससे फिल करते हैं, मिक्सचर से। उस मिक्सचर को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, अगर अगर सॉल्यूशन और जिलेटिन इन दोनों को मिक्स करते हैं हॉट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तब हमारे पास सोल्ट ब्रिज का जो फिलिंग मटेरियल है वो प्रिपेयर होता है। तो ये तो समझ आ गया सर, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों क्या है, इसके बारे में तो कुछ को नहीं बताया आपने। तो ये क्या होता है बेटा, एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, अगर अगर सॉल्यूशन है, जिलेटिन सॉल्यूशंस, इनको हम ऑर्गेनिक के अंदर बहुत अच्छे से कवर करेंगे एंड इनको वहां पे बेटा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मेरा आपका आपके लिए कंप्लीटली फोकस किसके ऊपर है, सोल्ट ब्रिज के ऊपर। तो ये एक टाइप के क्या है, मटेरियल्स हैं जिनको मिक्स किया जाता है हॉट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ और उस फिलिंग को भरा जाता है सोल्ट ब्रिज के अंदर। उसके बाद द एपरेटस इज देन कूल्ड एंड कंसिक्वेंटली द सॉल्यूशन फिक्सेस। अब उस अपरेटस को कुछ टाइम के बाद क्या किया जाता है, कूल किया जाता है और कंसिक्वेंटली सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है यूट्यूब के अंदर इन द फॉर्म ऑफ जेल। किसकी फॉर्म में, जेल की फॉर्म में। दिस प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स, जिसकी वजह से जो दो फ्लूइड्स हैं उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, कि ये एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के अंदर नहीं जाएगा, दूसरा फ्लूइड पहले फ्लूइड के अंदर नहीं आएगा, इस टाइप की कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। द आइदर एंड्स ऑफ द ट्यूब आर देन सील्ड यूजिंग कॉटन वूल इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिफ्यूजन। अब उसके अंदर से क्या निकल रही है सर, कोई ना कोई सॉल्यूशन है। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, कि सर इंटरमिक्सिंग तो हो सकती है ना, कि कोई एक दूसरे के साथ जाके इंटरमिक्स हो जाए, तो उस इंटरमिक्सिंग से बचने का भी साधन है, क्या करो सर एक जुगाड़ लगा लेते हैं। क्या जुगाड़ लगाओगे सर, जुगाड़ हम क्या लगाएंगे, कॉटन वूल जो होती है उसको क्या कर देंगे, सील कर देंगे किसके अलोंग, ट्यूब के एंड्स के अलोंग। वाह सर क्या जुगाड़ है, तो ये बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जुगाड़ लगा दिया। उसके बाद द मेन एडवांटेज ऑफ सोइंग द ब्रिज, ये जो मेन एडवांटेज क्या आएगी सर, ये क्यों कर रहे हो आप लोग, तो इसकी जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इट प्रिवेंट्स द अराउसल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी राइज नहीं आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में, ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसे हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, कि एक जंक्शन क्रिएट हो जाएगा बीच में, तो उस पोटेंशियल जो आपको क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, कि आपके पास यहाँ एक पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे भी एक पोटेंशियल आएगा, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हम नहीं चाहते कि किसी टाइप का कोई राइज आए, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस सोल्ट ब्रिज को यूज कर रहे हैं। व्हेन टू सॉल्यूशंस आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज इट कनेक्ट्स द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द टू हाफ सेल्स। ये बेटा अगर हम सोल्ट ब्रिज नहीं लगाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब हम उसके अंदर सोल्ट ब्रिज को लगा देंगे। क्यों सर ऐसा क्यों है, तो इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज इट कनेक्ट्स द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द टू हाफ सेल्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करता है किसके अंदर, दो हाफ सेल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को कंबाइन करने का मतलब क्या सर, क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को इसीलिए कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, ताकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो आपके आयन्स हैं उनकी मूवमेंट बनी रहे। कि मान लो यहां से आपके पास नए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में प्यारी सी अट्रैक्शन तो नहीं होगी, इनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर रिपल्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स फिर से मूवमेंट वापिस जाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पे सोल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ताकि एक सर्किट इस तरीके से वर्क करता रहे, कि आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। तो आपके पास एक लूप होल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। अदरवाइज ये प्रोसेस क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, एंड वी डोंट वॉन्ट टू रिवर्स दैट प्रोसेस। उसके बाद इट अवॉइड्स द चांसेस ऑफ
डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशंस बिटवीन द हाफ सेल्स। काफी बार पढ़ चुके हैं सर ये लाइन कि इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, हमें समझ आ गया है सर इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। इंटरमिक्सिंग किसकी सर? सॉल्यूशंस की। किसके बीच में सर? हाफ सेल्स के बीच में। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता जाएगा, उसको पाथ मिलता रहेगा, पाथ अगर मिलता रहेगा तो मूवमेंट होती रहेगी, मूवमेंट होती रहेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ेगा एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहेगा, न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बिल्कुल फ्रेश टॉपिक को, दैट इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ सेल, कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं किसी भी सेल के अंदर। तो द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, शी। शी क्या होती है? एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है, जो जीरो वोल्ट आपको क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। अगर आप शी के साथ किसी भी टाइप के किसी भी इलेक्ट्रोड को लगाओगे तो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि आप पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक रोड है एम जी की, मुझे इसका पोटेंशियल निकाल के बताओ। तो हम क्या लगा देंगे इसके साथ? शी लगा देंगे। शी लगाया, शी लगाया तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। किसका पोटेंशियल डिफरेंस? एम जी माइनस वी ऑफ एस एच जी का। अब वी ऑफ एस एच जी तो क्या होता है, जीरो होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी ऑफ एम जी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वोल्टेज निकालते हैं किसी भी एम जी की, किसी भी टाइप का कोई भी पोटेंशियल निकालते हैं उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का। तो अच्छा, ये जो शी वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है कि सर शी तो खत्म हो गया। नहीं, शी के ऊपर एक कंप्लीट क्लास लगेगी, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो शी के ऊपर रहेगा। इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज अलॉटेड नेगेटिव वैल्यू। अगर कोई इलेक्ट्रोड ऐसी है जिसका नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क कर रहा है तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेयर एज द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द पॉजिटिव टर्मिनल, अगर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू अलॉट कर दी जाएगी। The potential difference developed between the two terminals is measured using a potentiometer. और potential difference को measure कर लिया जाएगा कि mg है, c है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करोगे? तो इनके बीच में एक डिवाइस लगा देंगे, दैट डिवाइस इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज आइडेंटिफाइड यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर। अब इलेक्ट्रिकल करंट की बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां दौड़ रहा है, तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सर्किट के अंदर करंट तो आ चुका है। This enables us to identify the positive and negative terminal. इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है, ये वैसे हम पता लगा सकते हैं। प्यारा सा फॉर्मूला है LOAN, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी उसका मतलब वो एनोड है, उसका मतलब वो नेगेटिव है। ऑफ द सेटअप एज द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि हमें पता है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, तो जहां से निकल रहा होगा वो टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड जहां पे जा रहा होगा वो टर्मिनल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपने देखा होगा आपके पास जेड एन सी यू का सेल था, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहां से कहां थी, जेड एन से सी यू की तरफ, जबकि करंट की कहां से कहां थी, सी यू से जेड एन की तरफ। अब जेड एन पे ऑक्सीडेशन हो रही थी मतलब नेगेटिव एंड, सी यू पे रिडक्शन हो रही थी मतलब पॉजिटिव एंड, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। This in turn will help us mark the anode and the cathode. और इससे हमें mark करना आसान हो जाएगा कि कौन सी road anode है, कौन सी cathode है, due to the fact that the electrons will flow from anode to cathode. क्योंकि electrons जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ flow करते हैं, anode से cathode की तरफ flow करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि anode पे कौन सी process होती है, oxidation, cathode पे reduction. Oxidation का मतलब electrons का loss होगा, reduction का मतलब electrons का gain होगा। तो यहाँ से electrons निकलेंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो मतलब इससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब बात आती है कि हम इसका ई सेल कैसे निकालेंगे, कि कैसे सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बेटा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक रोड तो है जेड एन की और एक रोड है सी यू की, इसपे हो रही है ऑक्सीडेशन, इसपे हो रही है रिडक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो क्या तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक और चॉइस है,
कि क्या हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में एक प्यारी सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन ये है बेटे कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के माइनस वैल्यू के इक्वल होता है। कि अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो उसके आगे क्या लगा दो, माइनस निकाल दो, आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल पाओगे। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो ई निकाल रहे हम। ई क्या होता है? सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका निकाल रहे हैं? Zn का। अब Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव के अंदर, तो Zn Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो Zn Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। Zn Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है ना, 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ क्या मतलब है 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होने का। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि सर हमारे पास टू पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा? जब नेगेटिव चार्ज कम होगा। नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं मतलब प्रोसेस कैसी है, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। लेकिन सर हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो इस प्रोसेस को रिवर्स करना होगा कि Zn2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मान लो यहां पे वैल्यू आई थी x, तो यहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ x। ये बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए बेटा, ये बात समझ आई या नहीं आई है। अब इसी के अंदर अगर मान लो आपको कॉपर का निकालना है, तो कॉपर का निकालना है तो Cu2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जल्दी से बताइए बेटा, ये Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा, गेन हो रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। कम कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसका कौन सा पोटेंशियल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, जिसको हम मान लेते हैं वाई। अब मैं कह रहा हूं आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल के बताओ, तो Cu किसमें कन्वर्ट होगा, Cu2 पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, तो ये क्या जाएगा, ये वाई है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ वाई। तो ये बात है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। जबकि इसके अंदर अगर हमें ई सेल निकालना है, जैसा कि यहाँ पे एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Zn इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव इनटू इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे क्या है बेटा, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Cu2 पॉजिटिव टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू Cu। अब डेनियल सेल के अंदर नेट रिएक्शन ऑफ द सेल इज द सम ऑफ द टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल्स का सम होता है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu में कन्वर्ट होते हैं। तो इसके अंदर अगर हमें EMF निकालना है, तो E सेल किसके इक्वल होता है, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड के। तो ये कैसे आया, इसको अब हम समझेंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। We have space here. तो ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपको E of cell निकालना है, तो आप क्या करोगे, E of cathode और E of anode, इन दोनों चीजों से ही निकलना है। किससे निकलना है सर, E of cathode और E of anode से। तो यहां पे बेटा क्या, तो हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, या फिर हम दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। अब कैथोड पे रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, जल्दी से बताओ, कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का गेन मतलब कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन। तो अगर कैथोड पे रिडक्शन ही होती है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जबकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ई ऑफ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई ऑफ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर ई ऑफ सेल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल।
लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ आपको कि आप मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में बताओ, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में अगर हम बताएंगे तो कैथोड के ऊपर क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऑक्सीडेशन लिख रखा है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए नेगेटिव, और एनोड है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ई ऑफ एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ई ऑफ कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये किसके टर्म्स में बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में दे रखा है। तो मैं कह रहा हूं आप डेनियल सेल का निकाल के बताओ, मैं आपको दे रहा हूं डाटा कि ई ऑफ सी यू इज कन्वर्टिंग इन टू सी यू टू पॉजिटिव इज माइनस ऑफ 0.34 वोल्ट एंड ई ऑफ जेड एन इज कन्वर्टिंग इन टू जेड एन टू पॉजिटिव इज 0.76 वोल्ट। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पे आप देखोगे सी यू किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी यू टू पॉजिटिव में, तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, दो पॉजिटिव आ गया ना बेचारे के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब नेगेटिव कम होगा, नेगेटिव कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है, माइनस ऑफ 0.34, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में ये रहा सर फॉर्मूला। अब ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी या फिर एनोड पे होगी, ये किस तरीके से पता लगाया जाए सर, तो आप ध्यान से देखो बेटा, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी से बता दीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद करी थी, बिल्कुल सर, जेडन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जो लेस रिएक्टिव होता है बेटा वो कहाँ पे होता है, राइट हैंड साइड एट कैथोड, और जो जेडन जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है बेटा वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज एट एनोड। तो यहाँ पे कैथोड की तरह कौन एक्ट करेगा, कॉपर, तो कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ है, यहाँ पे तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, जबकि कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप देखोगे तो कहाँ पे मिलेगा, ये रहा सर कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है, माइनस ऑफ 0.34, और एक माइनस पहले से है, प्लस में ई ऑफ एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, जेडन वाली, जेडन की ये रही सर, जेडन का कैसा पोटेंशियल दे रखा है, जेडन इज कन्वर्टिंग इनटू जेडन टू पॉजिटिव, मतलब फिर से क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, कितना दे रखा है 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.34, प्लस में 0.76, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 4 10 0 1 7 3 10 और 1 1, और यहां पे क्या जाएगा 1.10 इलेक्ट्रॉन या फिर 1.10 वोल्ट। तो ये बेटा बात समझ आई है नहीं आई है, ये हमने किसकी टर्म्स में किया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में, अगर रिडक्शन की टर्म्स में देखोगे तो ये यहाँ पे कर रखा कि सी यू का ई एम एफ दे रखा है कि सी यू टू पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इन टू सी यू 0.34 वोल्ट। तो ये क्या है बेटा, सी यू टू पॉजिटिव सी यू में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कब कम होगा, जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कब होते हैं, जब कौन सी प्रोसेस हो, रिडक्शन, तो ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है सर, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है किसका, कॉपर का, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, रिडक्शन पोटेंशियल का लगेगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगता है तो रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे, तो यहाँ पे ई ऑफ कैथोड ले लेंगे, और कैथोड पे रिडक्शन होती है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इसी तरीके से ई ऑफ एनोड आएगा, अब एनोड का तो ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो एनोड पे रिएक्शन किसकी हो रही है, जिंक की, तो ई ऑफ जेड एन भी दे रखा है, तो जेड एन इज कन्वर्टिंग इनटू जेड एन टू पॉजिटिव, ये कितना दे रखा है 0.76 वोल्ट, तो जेड एन इज कन्वर्टिंग इनटू जेड एन टू पॉजिटिव, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कैसे बता रहे हो सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि बेटा जेड एन है, जेड एन किस में कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन टू पॉजिटिव में, जेड एन टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होने का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का भी इंक्रीज होगा, जब नेगेटिव घटेगा, नेगेटिव क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम इसको क्या कर लेंगे, नेगेटिव कर लेंगे, इसीलिए इसको क्या लिख रखा है, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, कि हमें फिर क्या चाहिए, ई ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन में कन्वर्ट होना चाहिए,
मतलब हमें इसे रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में जाते हैं तो आगे क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन। तो ई ऑफ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल तो आ गया हमारे पास इतना, माइनस ऑफ 0.76, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, कैथोड का हमें पहले से ही पता था 0.34 आ रहा है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.10 वोल्ट। तो आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में भी निकाल सकते हो और आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में भी निकाल सकते हो। तो बेटा ये था हमारा ई सेल निकालने का मेथड, एंड इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके पहले आप और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम योर एनसीईआरटी और एनी रिस्पेक्टिव बुक। सो लेक्चर हमारा खत्म हो गया है, लेकिन कहानी हमारी बाकी है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बाकी है, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा बेटा वो रहेगा शी, शी को हम और अच्छे से इलेबोरेट करके पढ़ेंगे एंड देन हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इतने आपके लिए एक छोटा सा काम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसका डाउट को आप कमेंट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ये नॉलेज और भी बच्चों को मिले तो शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले अगर मैं नया लेक्चर अपलोड करता हूँ तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।